आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी X7 प्रो के बारे में और रियलमी 7 5G के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जल्दी लॉन्च होगा, कब हो सकता है लॉन्च, क्या होगी प्राइस, क्या होगा स्पेसिफिकेशन, सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के क्विक अपडेट्स के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। Realme X7 Pro की अगर हम बात करें तो वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है जनवरी के अंदर। जनवरी के अंदर ही लॉन्च होगा, जनवरी के अंदर हो सकता है कि जनवरी के अंदर ही लॉन्च होगा। कंफर्म कर दिया था माधव सर जी ने कि जल्दी ही आ रहा है रियलमी का X7 Pro और Realme 7 5G। जनवरी में लॉन्च हो सकते हैं X7 Pro और Realme 7 5G। स्पेसिफिकेशन की बात करें Realme 7 5G की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 6.5 इंच की नॉर्मल आपको LCD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। रियर कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। रैम की बात करें तो 6 GB रैम आपको देखने को मिलेगी और स्टोरेज की बात करें तो 128 GB स्टोरेज होगी। एक और हायर मॉडल वेरियंट आ सकता है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, लेकिन यूजुअली अगर बजट में रखना है तो वो लोग शायद तक खाली 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज ही लेके आएंगे। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड 10 के साथ होगा और साथ ही साथ रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको खाली Full HD+ वीडियो देखने को, Full HD+ रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। कुछ ज्यादा फैंसी हाई एंड रेजोल्यूशन होने वाली नहीं है, ना कोई AMOLED डिस्प्ले होगी। हाँ, 120Hz की आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जैसे कि बाकी के रियलमी के अभी जो स्मार्टफोन्स है उनमें आपको देखने को मिलता है, वैसा ही कुछ होगा। 30W की डार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। यही अगर बात करें Realme X7 Pro की, 6.55 इंच की आपको डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 32 मेगापिक्सल का आपका फ्रंट कैमरा होगा, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। रैम की बात करें 6 GB प्लस और 8 GB वाला भी रैम आएगा। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB 128 GB और 256 GB तक भी जाएगा। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड OS 10 के साथ आएगा, Realme UI 2 के साथ आएगा। तो ये वाला कुछ ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें भी आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और 30W फास्ट चार्जिंग या 65W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकता है। LPDDR4X रैम होगा दोनों के अंदर। UFS 2.1 का आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। अगर Realme X7 Pro की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी आपको बताया जाएगा कि Dimensity 1000 प्लस SoC देखने को मिलेगा। 9 कोर वाला SoC है, Mali G77 ग्राफिक प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। तो एक ओवरऑल मैं कहूँ तो थोड़ा बजट मिड बजट फोन हो जाएगा, मतलब फ्लैगशिप किलर उसको कह सकते हो। 25-30 हज़ार के बीच में वो आ सकता है और Realme 7 5G है वो 25 हज़ार के नीचे आएगा। उसी के साथ हम Mi 10 भी लॉन्च हो रहा है इंडिया में, देखते हैं क्या प्राइस होती है, क्या स्पेसिफिकेशन होती है और कब ये इंडिया में आते हैं। जनवरी में बताया जा रहा आएंगे। अब ये कौन से फोन को कम्पीट करने के लिए, अगर 25-30 के बीच में Realme X7 Pro आ जाता है तो एक बेस्ट बजट फ्लैगशिप फोन आपका देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।